हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए मैं यहाँ एक स्पेशली दिवाली मेकअप लुक करूँगी और बहुत ही चिपलेस्ट सामान में मेकअप करूँगी ये वाला मैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ परसोनी का फाउंडेशन यूज किया है। गाइस, आपको 50 के अंडर ये फाउंडेशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है फाउंडेशन, ठीक है। अगर आप कॉस्टली मेकअप नहीं खरीद सकते हो तो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये। तो और मैं बता देती हूँ आपको, मैंने एजा प्राइमर यहाँ एलोवेरा जेल यूज किया है, वो आपको 40 के समथिंग मिल जाता है छोटा वाला। और मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया था यहाँ, वो 10 रुपीज़ पॉन्स का मॉइस्चराइजर यूज किया है मैंने यहाँ। इस तरीके से ही हम अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने ब्रश की हेल्प से। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से, एंड अदरवाइज आप हैंड से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिया है, तो गाइस यहाँ लिया है मैंने पॉन्स पाउडर, जैसा कि आप देख सकते हो। ओनली 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है पॉन्स पाउडर। तो चलिए अच्छे से हम अपने मेकअप को सेट कर लेंगे अपने पाउडर से। तो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ ब्लेशर। ब्लेशर ये थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में ही बोल सकते हैं आप, बट अच्छा है। तो चलिए अच्छे से हम ब्लश कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था राइट वाले हैंड पे, तो मैंने उसे लाइट कर लिया था। देन उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ आई मेकअप पे कुछ भी नहीं किया है, ग्लिटर वाला हाइलाइटर लिया है जिससे मैं अपनी आईज़ को हाईलाइट करूँगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिए है फॉर एवर की लिपस्टिक, जो न्यूड शेड है, काफ़ी अच्छा शेड है गाइस। अगर आपको लिपस्टिक लगाना, मतलब डार्क शेड नहीं अच्छे लगते, तो आप लाइट वेट शेड यूज कर सकते हो। तो देन मैंने यहाँ लिया है मस्कारा, ये 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ मिक्स मेकअप किया है, कुछ प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, कुछ चीप भी हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके का लुक कर सकते हो, कैसा भी लुक इसी सामान से कर सकते हो आप, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अच्छे से अब मैंने यहाँ लिया है काजल ADS का। तो एजा आईब्रो पेंसिल मैं यहाँ आईब्रो पे यूज करूँगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना सिंपल मेकअप है एंड नेचुरल मेकअप लग रहा है, कहीं से ऑड नहीं लग रहा है। तो चलिए गाइस, यहाँ हम लगा लेते हैं काजल। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने लगा लिया, तो मैं काजल बहुत पतली लेयर ही लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ लूँगी बिंदी। तो मैंने यहाँ लिए हैं बिंदियाँ और ब्लैक है ये, तो छोटी सी बिंदी मैं यहाँ लगा लूँगी जिससे हमारा मेकअप और थोड़ा निखर के आए और अच्छा लगे। तो यहाँ मैंने लगा लिया छोटी सी बिंदी, अच्छी लगती है। तो गाइस, यहाँ लिए मैंने गोल्डन कलर के इयररिंग्स। आप दीपावली पे इस तरीके से ही मेकअप लुक कर सकते हैं और आप इस मेकअप को 5 मिनट में कैरी कर सकते हैं गाइस। तो ये देखिए, जैसे कि हो गया मेरा मेकअप लुक डन यहाँ। तो अब मैं यहाँ सिंपल सा हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी मेरी बीच वाली मांग है, बट अब जैसा कि आप देख लीजिए, तो मैंने यहाँ से पिंस निकाल दिए हैं गाइस। मेरे पास अभी यहाँ फिलहाल में तो सबसे पहले अच्छे से हम नहीं हैं, तो मेरे पास कौन करेंगे, 4 क्लेचर पड़े थे, तो मैं उन्हीं से अपना ये हेयर स्टाइल बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल है ये हेयर स्टाइल, एक पफ की तरह है, बट मैंने पफ यहाँ नहीं बनाया है। तो आपकी जो आईब्रोस है उसके कॉर्नर के अकॉर्डिंग आपको दोनों साइड से बाल लेने हैं और आपको अच्छे से कॉम कर लेने हैं इस तरीके से। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो कि क्लेचर आपको दिख रहा है छोटा वाला, बट बाद में मैं उसे निकाल दूंगी। आई होप